पर अग्रसर होकर के विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी, तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपका आह्वान करने के लिए, जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। यहाँ के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहाँ पर फिर से भगवान लहराने का काम करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूँ आपका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत को लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार के समय आज ही के दिन सन 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये नया भारत है, ये सम्मान भी अर्जित करता है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखता है। हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देता है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वह भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का मोदी जी का विजन आज ये प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत विकसित देश बन रहा है, दूसरी तरफ तेलंगाना कर्ज के तले दब करके भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यूपी में भी यही हुआ था, लेकिन आज यूपी में दंगा नहीं होता, यूपी में कर्फ्यू नहीं है, यूपी में दंगा नहीं है, यूपी में सब और चंगा है। और
पीछे एक बात बताओ भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, कुतुबुल्लापुर असेंबली से जुड़े हुए आप सभी बंदों से मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, आप सबको खुशी है? राम मंदिर बनने पे खुशी है? एक खुशी और मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का प्रकटीकरण होने जा रहा है। होने जा रहा है ना? आप मुझे एक बात बताओ कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने राम भक्त हैं जो अयोध्या आना चाहते हैं? आप लोग भी करिए, आप लोग भी बताइए, इधर भी अयोध्या आने के इच्छुक कितने हैं? आप सभी अयोध्या आना चाहते हैं? 22 जनवरी के बाद मैं आपके अभिनंदन के लिए अयोध्या में तैयार रहूंगा। मेरी शर्त है कि आप लोग यहां से कुतुबुल्लापुर से 79 सैलम बोर्ड को असेंबली में फिर से भेजिए। सभी सहमत हैं? इधर से भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भेजेंगे। भाइयों बहनों, आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी को प्राप्त हो और बीजेपी का प्रत्याशी 22 जनवरी के बाद आपको अयोध्या दर्शन के लिए सादर आमंत्रित करने जा रहा है। इसी आमंत्रण के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आप सब सहमत है ना? तो चारों